आज कौन से नंबर की क्लास है? 22। लास्ट क्लास कौन सी हुई थी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम क्लास करेंगे, आज क्या सैटरडे है ना, देखो टूरिस्ट कितने जा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है। पहली क्लास कौन सी हुई थी हमारी? ई एस बी आई। ई का मतलब? एस का मतलब? बी का मतलब? आई का मतलब? Investor. क्या बनना है? Investor. क्या नहीं बनना है? Employee, self-employed. अच्छा, किस वजह से बन सकते हैं? स्टेप वाइज, शुरुआती तौर पे। और उसके बाद अगली क्लास कौन सी हुई थी? रिएक्टिव प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ, और प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? जिनको गलतियां तो देखते साथ ही साथ सॉल्यूशन भी साथ में दिखता है, ठीक है। आज मतलब पिछली क्लास से भूलना और अगली क्लास से करते रहने का कोई फायदा नहीं, पिछली क्लास से एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी हमने क्लास करी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहते कि उसने पूरी दुनिया जीती, तो उसने कितने देश जीते थे? सारे जीते थे जो उस टाइम थे। क्योंकि 6-7 देश जीतने के बाद में भी वो विश्व विजेता कैसे बना? क्योंकि उस समय उतने ही देश खोजे गए थे। ओके, अलेक्जेंडर कब पैदा हुआ था? 356 बीसी। हमने एडी और बीसी की क्लास करी थी। एडी का मतलब क्या होता है? एना डोमिनाई। एना डोमिनाई का मतलब? जो जीसस के ईसा पूर्व है उससे पहले का, नहीं उसके बाद का। ईसा से बाद वाले जितने भी इयर्स होते हैं उसके लिए हम एडी लगाते हैं। अभी क्या चल रहा है? एडी चल रहा है, बीसी चल रहा है? एडी। कितना एडी? 2021 एडी, ठीक है। एडी का मतलब एना डोमिने का मतलब होता है कि पवित्र वर्ष। तो उन्होंने माना कि हमारे जो ये जीसस पैदा हुए तो ये पवित्र वर्ष है, तो वहां से वो एडी चलता है। कई लोग गलती से आफ्टर डेथ भी समझ लेते हैं, तो वो मैंने तुम्हें बताया ही था। और जो लोग जीजस को नहीं मानते वो क्या यूज करेंगे? सीई और बीसीई। सी का मतलब कॉमन एरा, क्योंकि जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते वो कॉमन एरा यूज करेंगे। सीई। अभी क्या चल रहा है? सीई बीसीई। अभी सीई चल रहा है, बीसीई चल रहा है? सीई। तो बीसीई क्यों बोला? बिफोर क्राइस्ट हो गया ना वो, तो बीसी। बीसी बिफोर क्राइस्ट नहीं, यहां पे बीसी का मतलब क्या? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आज हम क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्वॉट। स्वॉट ये ज्यादातर बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, या इंजीनियरिंग या आर्मी या हर जगह। ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला है और ये हर चीज पे काम करता है। इंडिविजुअल तुम्हारा अपने आत्ममंथन के लिए काम करता है। आत्ममंथन तुम समझते हो? सेल्फ रियलाइजेशन। हमने वो कछुए वाली, टर्टल और रैबिट वाली स्टोरी में हमने डिस्कस किया था। तो ये तुम्हारे अपने ऊपर भी लागू हो सकता है, तुम किसी आदमी से मिल रहे हो, किसी व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो सकता है, ये किसी मिशन के ऊपर भी लागू हो सकता है, हर चीज के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी। स्वॉट, SWOT, लिखो पहले। एस से लिखो, पहले स्वॉट लिखो, फिर उसके नीचे लिखो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, ये लिखा है ना, अब इसके नीचे लिखो एस। एस फोर, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। पहले काम करो, पहले समझ लो, फिर लिख लेना, ठीक है ना। एस फोर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। एस फोर स्ट्रेंथ। W फॉर वीकनेस। वीकनेस का मतलब कमजोरी। O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी। T फॉर थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या नुकसान हो सकता है, थ्रेट धमकी, चेतावनी, या थ्रेट मतलब कि इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल
कोई भी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, मान लो कोई इंजीनियर है और वो इंजीनियर मिलकर के एक समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाह रहे हैं, तो पुल बनाने के ऊपर स्वॉट फार्मूला लगाते हैं वो पहले, किसी भी प्रोजेक्ट, आर्मी है अभी मान लो हम आर्मी ने कहीं पे हमला करना है या कोई भी काम, कोई भी एक्सवाइजेड काम है इमेजिन कर लो, तो पुल बनाना है समुंदर के ऊपर, तो वो कहेंगे यार इसका स्वॉट चेक किया क्या? स्वॉट चेक करने का मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस प्रोजेक्ट की ताकत क्या होगी। तो मान लो चाइना अगर पुल बना रहा है तो चाइना कहेगा स्ट्रेंथ मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे पास अपनी मैन पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि हम इसको बना लेंगे वक्त से पहले या वक्त पर, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस वो डिस्कस करेंगे कि यार वीकनेस क्या हो सकती है, अच्छा समुंदर है इस समय बारिशों का मौसम है, हो सकता है तूफान आ जाए तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाए, डैमेज हो जाए, ये हो जाए। वीकनेस कमजोरियां क्या है उस प्रोजेक्ट की, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि अरे यार ये मान लो ये पुल है, ये पुल बनने में 5 साल लगेंगे, तो 5 साल में इस बीच में ये चीज़ हो गई तो हमारे को ये मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हर उसमें अपॉर्चुनिटी निकालना। और T4 threat कि इन सब में कहाँ से हम, वीकनेस और थ्रेट अलग अलग चीज़ है। वीकनेस तो तुमने पहले चेक करनी है, थ्रेट तुमने इमेजिन करना कि क्या क्या आ सकता है, मतलब कि सब कुछ ओके है, हमने स्ट्रेंथ भी चेक कर ली, वीकनेस भी चेक कर लिया, अपॉर्चुनिटी भी तलाश ली, तो ये तो सब चीज़ हो गई ओके ओके ओके। थ्रेट मतलब इसमें और क्या वर्स्ट कंडीशन अचानक आ सकती है, थ्रेट बाद में आ गई, आपने जो प्लान ही नहीं किया वो आ गई। तो स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जब भी तुमने कोई भी काम करना है तो उसका स्वॉट जरूर चेक करो। किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, किसी नए व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हो, तो स्वॉट एक अपने दिमाग में स्वॉट चेक करो कि इसकी, इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, यार ये ईमानदार है, ये ताकतवर है, इसने अच्छा पढ़ा लिखा है, इसके पास अच्छी नॉलेज है शब्दों का। और जब भी मैं पढ़ा लिखा बोलूँ तो मेरा एकेडमिक एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता है, स्कूल वाला पढ़ा लिखा नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ उसकी चेक कर ली, पर उसकी कोई ना कोई वीकनेस भी होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो डेफिनेटली होगी। तो वीकनेस क्या होगी, तो वीकनेस और यार ये ना कभी फैसले लेने में देरी कर देता है, या ये इसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है, फैसला लेता है तो टिका नहीं रहता है, रिस्क नहीं ले सकता, ऐसे वीकनेस। अब आपने उस आदमी की स्ट्रेंथ भी चेक कर ली, वीकनेस भी। अपॉर्चुनिटी, अरे यार इससे अगर हम मिलते हैं, मान लो कोई तुम्हारी सहेली है या कोई किसी से भी तुम मिलते हो, तो अरे यार इसके साथ मिलने पे हम दोनों मिलके जॉइंट वेंचर करके ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, हैं। या मान लो इसके पास ये वाला स्किल है और मेरे पास ये वाला स्किल है, अगर इसके साथ मैं जॉइंट वेंचर चलाऊँ तो ये स्किल से, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ये हर चीज़ पर लागू होगी। थ्रेट कि सब कुछ ओके होने के बावजूद थ्रेट क्या क्या है, तो मालूम पड़ा कि यार सब कुछ ओके चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मैंने कैलकुलेशन कर ली, पर ये आदमी लास्ट में एक अचानक ऐसे सिचुएशन पे ये गिव अप कर सकता है, सारे पूरे एम्पायर को कोलैप्स कर सकता है, मतलब उसको भी काउंट करके चल रहा है। जब तुम ये हाँ, यही मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने, यही मैं कहना चाह रहा था कि जब आप स्वॉट को आप लगाते हो किसी भी चीज पे, तो कमजोरियां आने पे आप किस्मत, भगवान, इन सबको दोष नहीं देते, क्योंकि आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ना। बिगनिंग विद द एंड, एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें सिंपल सा फॉर्मूला था, बिगनिंग विद द एंड, चीज को अंत को ध्यान में रख के शुरू करना चाहिए। तो वीकनेस आपने पहले ही कैलकुलेट करी, अब वो कमजोरियां सामने आ रही है। मान लो आप किसी आदमी को नौकरी पे रखते हो और आपने उसका स्वॉट चेक किया, तो उसमें उसकी वीकनेस थी कि ये ना आदमी आलसी बहुत है। अब आप उसको कोई काम दे रहे हो और वो 2 घंटे के काम को 4 घंटे में कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते यार तू निकम्मा है, तू निठल्ला है, तूने मेरे काम का नुकसान कर दिया, क्योंकि आपको ये पहले से मालूम था, फिर भी आपने उसको ये ध्यान में रखते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि या तो आप नहीं रखोगे, या रखोगे तो आपने पहले ही कमजोरी को, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उसको रखा, पर कमजोरी आपने ध्यान रखी, ठीक है। थ्रेट आपको मालूम है कि यार ये थ्रेट, कल को इसके साथ कोई हादसा हो जाए, कल को ये भाग जाए, किसी के बहकावे में आ जाए, आपने वो थ्रेट भी ध्यान में रखा। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम होगी पर वो ना पैनिक कर गए, मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे तो दूसरों ने धोखा दे दिया, ये सब ड्रामेबाजी नहीं होगी। क्या होगा, इंडिया में बिजनेस लोग क्यों परेशान रहते हैं ज़्यादातर, इंडिया मतलब ज़्यादातर लोग, मैं तो इंडिया के बारे में बोल सकता हूँ, वो लोग क्या होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ज़्यादातर लोग। तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी को काम पे रखा तो उसका स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस नहीं देखेंगे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी देखेंगे,
चौकेरा। सबसे ज्यादा जो कॉमन लोगों में प्रॉब्लम मिलती है वो क्या मिलती है कि वो ऑप्टिमिस्टिक होने के नाम पे ऑप्टिमिस्टिक बायस हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सिर्फ अच्छा अच्छा देखना, सकारात्मक देखना, अच्छा देखना, मतलब गलत चीज नहीं देखना, सोचना ही नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और ऑप्टिमिस्टिक बायस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि यार हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हम तो बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक। अब सुनामी आ रहा है या गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और मैं समुंदर में नहर के किनारे टहल रहा हूँ कि मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये ऑप्टिमिस्टिक बायस है, है ना। तो आप किसी को काम पे रख रहे हो तो लोग या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, वो चाहे शादी है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, कुछ भी है। तो यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों के साथ में, ये ऑप्टिमिस्टिक बायस होने के चक्कर में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दो चीजें देखते हैं, वीकनेस और थ्रेट को नहीं कैलकुलेट करते। अब इसकी वजह से होता क्या है कि वो मान लो उनको कोई लड़का बड़ा टैलेंटेड दिखा, उन्होंने कहा यार इसको काम पे रख लो, या किसी दूसरे के ऑफिस में बहुत बढ़िया टैलेंटेड लड़का है, इन्होंने उसको काम पे रख लिया, क्या देखा उसकी स्ट्रेंथ, क्या देखा अपॉर्चुनिटी, इसको मैं तोड़ लाऊं अपने बिजनेस में ऐड कर लूं तो मेरा तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढी। और किस वजह से उसको तोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है उनको वजह है, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ देखी और अपॉर्चुनिटी, उसकी वीकनेस उनको उन्होंने चेक करने की कोशिश नहीं करी, फिर बाद में वो प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही शादी करें तो यही होता है, स्ट्रेंथ देखती है, वीकनेस और थ्रेट देखते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई दुकान शुरू करते हैं, कोई नौकरी पे ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं और बाद में कहते हैं यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, हमारी तो जिंदगी 9 to 5 हो गई, रैट रेस में पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, सरकारी बाबू बन गए हैं, खुद लालच में आकर के मतलब काम में इतना ऐसे टाइम टेबल वाली जॉब ढूंढ ली, बाद में कहे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है जी सोसाइटी के लिए, सोचो वो लोगों सब पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते। जैसे खरगोश ने किया और फिर बाद में वो जीता, नहीं करते। ये क्या है स्ट्रेंथ, बढ़िया सैलरी मिल रही है, ऑफिस का इंटीरियर बढ़ा है, कंपनी का नाम बढ़ा है, सब कुछ क्या देखा स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी देखी, बड़ी कंपनी में जुड़ूंगा, बढ़िया प्रोफाइल बनेगी, नाम होगा समाज में, इसका जो मेरे को कल को वो होता है ना एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा जब मैं 2 साल बाद जॉब करूंगा, उससे फिर मेरे को और बड़ी नौकरी मिल जाएगी, उससे मेरी अभी मेरे को यहाँ पे 1 लाख मिल रहे हैं, फिर वो इसके एक्सपीरियंस से मेरे को अगली बार 1.5 लाख मिलेंगे, उसके बाद 2 लाख मिलेंगे, है ना। ये जो ग्राफ होता है ना ऐसे 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 करके, ये सिर्फ क्या देखते हैं, हाँ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट देखते ही नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक बायस है। वो जब आपको पैसा देगा 1 लाख 2 लाख, आप कितना उस पर वक्त बेच रहे हो अपना, वो आपका कितना खून पी रहा है आपकी छाती में स्ट्रॉ डाल करके, वो कंपनी आपका जीना आराम कर दिया उसने, इनको पता ही नहीं क्योंकि इन्होंने देखा नहीं। अब जब ज्वाइन किया शुरू शुरू में तो बहुत मजा आया, फिर जिंदगी चल रही है एक जैसी लोकल ट्रेन की तरह, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसी चल रही है। फिर ये अंदर से इतना टूट जाते हैं, फिर इनकी बस की नहीं होती नौकरी चेंज करना, नौकरी इनको लात मार दे फिर ये दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे, अपनी मर्जी से इनमें इनके अंदर दम नहीं होता क्योंकि ये स्वाट नहीं आता इनको, है ना। इसीलिए जिंदगी में ये बात याद रखना, स्वाट, SWOT, एस और ओ को देखने का मतलब ऑप्टिमिस्टिक बायस, और पूरे को देखने का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, कि भैया ठीक है यार बहुत बढ़िया आदमी है, हमारी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलेगी, पर अगर वीकनेस ये भी तो है ना कि यार यहाँ पे तू ये बात बोलेगा मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा, ये हमारी कमजोरी है, यहाँ पे हम एक साथ नहीं होंगे। ऐसे ही क्या होता है कि स्वॉट को आपको प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, जैसे किसी की ताकत क्या कर सकता है, अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है तो फिर उसमें कि उसको किस चीज में अच्छा है, किस चीज में
हमें क्या फायदा या उसका क्या अच्छाई है इसको लेके? अपॉर्चुनिटी का मतलब उससे आगे हमें क्या-क्या क्या-क्या बेनिफिट्स मिल मौके मिल सकते हैं। जैसे एक इंजीनियर को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है यार ये पुल बन गया मेरा नाम होगा फिर मुझे और बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे ये होगा वो होगा। वीकनेस वीकनेस मतलब कि उसकी कमजोरी क्या है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और थ्रेट का मतलब कि क्या क्या हो सकता है अचानक क्या क्या हो सकता है, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा ये तुम्हारे को मैं बहुत छोटी एज में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को। दूसरा हमने हम एक अगली क्लास करेंगे रंग भेदभाव के ऊपर, हमने एक जजमेंट के ऊपर क्लास करी थी शुरुआत में, तो हम भेदभाव के ऊपर एक क्लास करेंगे किन किन चीज़ों पे हमें जज नहीं करना है, तो किन किन चीज़ों पर नहीं करना है बताओ। हाँ धर्म के आधार पे नहीं करना है। वो आदमी कहाँ से आता है, वो बिहार से आता है, वो झारखंड से आता है, वो अमेरिका से आता है, वो बांग्लादेश से आता है, हमें मतलब नहीं है। वो आदमी इंडिविजुअल कैसा है इससे मतलब है, वो गोरा है या काला है इससे भी हमें मतलब नहीं है, है ना। धर्म के आधार पे हो गया था, जगह के आधार पे हो गया था, फाइनेंस कि वो आदमी अमीर है तो हम उसके चमचे बन जाए, गरीब है तो उसको धुतकार दे, ये भी नहीं होना चाहिए। किस आधार पे जज करना ये हमने क्लास नहीं करी थी, तो वो हम करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा धर्म कौन सा है? कोई भी नहीं, शाबाश। कोई भी तुमसे पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, कहना जी हमारा, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा एक ही धर्म है, इंसान का धर्म है, हम इंसान को इंसान के नजरिए से देखते हैं, हमें नहीं मतलब ये जो होता है ना शेड्यूल कास्ट दलित ब्राह्मण क्षत्रिय, हमें इससे कोई मतलब नहीं ना, हमें नहीं पता, हमें तो इंडिविजुअल आदमी कैसा है वो गलत है तो वो गलत है, वो किसी भी धर्म किसी भी जात का है, हमें उससे मतलब नहीं, हम नहीं मानते जात धर्म को, समझ गए, है ना। कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो अपना सिर्फ नाम बताना, पूरा नाम जब तक जरूरत ना पड़े तब तक बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई जैसे क्या है तेरा नाम पहल, अब कोई अगर तेरे से ये पूछे कि पहल क्या पूरा नाम बताओ, तो समझ लेना कि वो कैसा है, वो कास्ट और धर्म, धर्म तो उसको चलो मालूम पड़ गया है ना, नाम से मालूम पड़ जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। और दूसरा हाँ वो ये सब चीज या पूछते हैं आप ब्राह्मण हो, अच्छा आप बनिए हो क्षत्रिय हो, ये बहुत पूरी धरती इस चक्कर में खराब हो रखी है, ठीक है। कभी भी जाति आदमी गलत हो सकता है, आप कहीं गए वहां पे 100 में से 90 लोग गलत मिल सकते हैं, पर 10 तो अच्छे हैं, अब आप उस 10 को 90 के चक्कर में थोड़ी गलत बोलोगे। ये रामायण वगैरह हम लोग ज्यादा हम लोग तो मानते नहीं, पर फिर भी अगर एग्जाम्पल वाइज देखो माइथोलॉजी के हिसाब से तो रामायण में भी सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं, पर फिर भी मंथरा थी, फिर भी केकई थी, और श्रीलंका में रावण सब कुछ खराब खराब बताते हैं, पर वहां पे भी विभीषण था। हालांकि मैं जब इसके बारे में कभी क्लास लूंगा आने वाले दिनों में, जब तुम्हें इसकी डिटेल बताऊंगा तो ये सब उलट पुलट हो जाएगा, पर अभी मोटा मोटा जैसे भीड़ मानती है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो पब्लिक मानती है, बाकी अभी तो मैं इसको भी उलट पलट करेंगे जब हम कभी बात करेंगे, ठीक है। स्वाट को समझ गए। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ मोटा मोटा बताया, तुम्हें विकिपीडिया या गूगल पे या कहीं ना कहीं कई लोगों ने गूगल पे ही बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए इसके बारे में, कई बुक्स हैं ऑडियो बुक वगैरह यूट्यूब पे लेके, मुझे इसके और वो चीज़ें पता करके बताना जो मुझे भी नहीं पता है या मैंने इस वक्त क्लास में नहीं बोली। जैसे एस फोर स्ट्रेंथ है तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो स्ट्रेंथ को और भी तो किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया होगा ना, वो तुम्हें पता करना है कि बड़ा ज़्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, सिंपल सा है, चार अल्फाबेट है SWOT, इसको पता करना है। जैसे हमने ESBI किया था, है ना, ESBI किया था ना, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ऐसे ये है, वो एक टेक्निक थी, ये एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है एक तरह से, इसको समझ गए जाओगे तो तुम्हारे को लाइफ में जज करने में ये सब बड़े आसान है। तो इसके लिए तुम्हें और इसके चीज़ें ऐसी पता करके बतानी जो मुझे भी नहीं पता या मैंने इस क्लास में डिस्कस नहीं करी, मेरे को भी नई नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी, ठीक है, समझ गए। इसको क्लास को अब यहीं ख़त्म करो।